पूंछ मिस्टेक आपसे गुजारिश करता है कि आप इस वीडियो को रात में ना देखें, ये आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो सकती है। कसम से मैं भी रात को बहुत मुश्किल से सोया हूँ। तो भाई अगर आपका दिल बहुत 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 ज़्यादा हार्ड है तभी आप लोग देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने देखा शिंको की क्लाउड मिस्ट्री में कि हिमावारी ने मित्सी के हाथ में काट लिया, उसके बाद शिंको आई और हॉरर चीज़ें होनी शुरू हो गई। और साथ ही साथ शिंको ने अपनी क्लाउड की मिस्ट्री को सिंचैन के सामने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद शिंको और उसका पेस्ट्री मैन, मतलब जो भी है उसका वो साथ में रहने वाला आदमी, वो उसके साथ बातें करने लगा और दोनों स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि कैसे हम सिंचैन को अपने साथ मिला सकते हैं। और अब आगे तो शुरुआत में ये होता है, मित्सी क्या मेरे नहाने का पानी तैयार है? हाँ हैरी, आपका पानी बिल्कुल तैयार है, आप जाके नहा सकते हैं। और फिर हैरी नहाने चला जाता है। हैरी के नहाने के बाद सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। मित्सी ने आज रेमन फिश बनाई होती है जो कि हैरी और सिंचैन की फेवरेट है। उसके बाद सब लोग मिलके रेमन फिश खा ही रहे होते हैं और हैरी की नज़र मित्सी के हाथ पे लगी चोट के ऊपर जाती है जो कि हिमावारी ने ही उसको काटा था। उसके ऊपर हैरी की नज़र जाती है। उसके बाद मित्सी बोलती है, आप कहाँ देख रहे हो, खाना खाओ। तो वो बोलता है, नहीं नहीं ये तुम्हें बैंडेज कैसे लगी मतलब। तो वो बताती है कि आपकी बेटी हिमावारी ने मेरे को हाथ बहुत जोर से काट लिया था। उसके बाद हिरोशी बोलता है, हाँ अच्छी कहानी है बट प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर सिंचैन बोलता है, हाँ डैड ये असली है, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा ना, मैं तो आपका बेटा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि हिमावारी ने आज मॉम के हाथ पे काट लिया था। इसको सुन के हैरी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर बोलता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं था दोपहर में। उसके बाद फिर सब लोग मिलके खा ही रहे होते हैं। एकदम से हिमावारी उस रेमन फिश को जिसको मित्सी और हैरी खा रहे होते हैं उसे घूरने लग जाती है। उसको घूरते घूरते वो एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सा लुक देती है। उसके बाद क्या होता है कि उस रेमन फिश की तरफ हिमावारी बढ़ती चली जाती है। और फिर उसके बाद हैरी वहाँ से उड़ जाता है और सब लोग भागने लगते हैं और हैरी के पीछे पीछे हिमावारी भागने लग जाती है। और सिंचैन अपनी रेमन फिश को लेके कोने में बैठ के खाने लगता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी हो रहा है वहाँ पे। और फिर भागते भागते हिरोशी किचन में चला जाता है और वहाँ पे वो टेबल के नीचे छुप जाता है और मित्सी भी वहीं खड़ी होती है बट वो हिमावारी को नहीं बताती कि वो टेबल के नीचे है। और फिर एकदम से हिमावारी को पता चल जाता है कि डैड टेबल के नीचे है और फिर वो उनकी तरफ बढ़ती है और फिर एकदम से हैरी निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो निकलता है उसके सर में टेबल लग जाती है जिसकी वजह से वो उनके सिंक की तरफ मुँह करके गिर जाता है। और हिमावारी दूसरी तरफ से आ रही होती है इसीलिए वो डैड के पैरों पे काट लेती है। और फिर मित्सी देखती है डैड के खून भी वैसे ही निकल रहा होता है जैसे उसके हाथों से निकल रहा होता है। उसके बाद हिमावारी और डैड बात कर रहे होते हैं बैंडेज लगाने के बाद डैड के कि हिमावारी नॉर्मल नहीं है, उसे कुछ हो गया है, मेरे ख्याल से मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और फिर ऐसा कह के हिरोशी बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, वो नॉर्मल नहीं है, उसको कुछ तो हो गया है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मित्सी हिमावारी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। उसके बाद वो उसे सारी कहानी बताती है और बोलती है, इसने मेरे हाथ पे काट लिया है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, आई कांट बिलीव दैट, क्योंकि ये तो अभी इतनी छोटी बच्ची है जो कि 2 ईयर्स की भी नहीं हुई है और इसके तो अभी तक दांत भी नहीं आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये किसी को काट ले।
उसके बाद वो बैंडेज उतार के उसे दिखाती है उस डॉक्टर को। फिर वो बोलती है अब तो आपको यकीन हुआ होगा। उसके बाद वो डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसके बाद तब भी वो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं इसको एक बारी चेक कर लेता हूँ बट मेरे को इस बात का यकीन नहीं है कि इसने आपको उस बुरी तरीके से काटा है क्योंकि घाव इतना गहरा है कि जैसे किसी शेर ने काटा हो। उसके बाद डॉक्टर हिमावरी को पकड़ लेता है और हिमावरी डॉक्टर को भी वही क्रीपी लुक देती है। उसके बाद वो डॉक्टर के ऊपर जम कर जाती है। उनके जैसे ही वो उनके मतलब छाती पे काटने वाली होती है वो उन्हें गले से लगा लेता उसे गले से लगा लेता है ठीक है। और फिर शांत करने की कोशिश करता है बट ये काम नहीं आता। और फाइनली हिमावरी डॉक्टर के ऊपर भी काट लेती है चेस्ट के ऊपर काट लेती है। उसके बाद मिक्सी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर हिमावरी को अपने पास ले लेती है। उसके बाद एकदम से वहाँ पे शिंको आ जाती है और फिर मिक्सी बोलती है नहीं फिर से नहीं जब भी ये लड़की आती है मेरे पास कुछ ना कुछ बुरा होता है। तुम क्यों आती हो ये तो बहुत अजीब सी लड़की है मेरे को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है ये क्यों हमेशा आ जाती है। और फिर एकदम से उसकी चुटकी बजा डॉक्टर गायब हो जाता है। और ये देख के मिक्सी इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है वापस से हैरी के पास पहुँचता है। हैरी और सिंचन टीवी देखते हुए कुकीज़ खा रहे होते हैं और कुकीज़ ख़त्म हो जाती है तो हैरी सिंचन को बोलता है कुकीज़ लेके आओ। हाय ऐसे बोलते हुए सिंचन किचन में चला जाता है और कुकीज़ ढूंढता है। उसके बाद वो सोचता है आखिर मम्मी ने कहाँ रखी होगी कुकीज़। उसके बाद वो हर जगह ढूंढता है बट उसे कहीं नहीं मिलती। वो प्लेट्स के जार में भी ढूंढता है पर उसे वहाँ भी नहीं मिलती। और फिर वो फ्रिज में जाता है और फिर वहाँ पे वो उसे शिमला मिर्च के थैले में वो मिल जाती है और फिर बोलता है हा, मैं जीत गया मॉम आप मेरे को नहीं हरा सकते आप जहाँ भी कुकीज़ को छुपा लो। उसके बाद वो कुकीज़ को लेके जा ही रहा होता है बट वो फिर साथ वाले कमरे में देखता है। वहाँ पे उसे एक परछाई दिखती है। वो उस परछाई से पूछता है कि क्या तुम भूत हो। तो वो बोलता है हाँ मैं भूत हूँ बट एक शेडो के रूप में। उसके बाद वो बोलता है हाँ जैसे एक्शन कामेंट डार्क शेडो का ख्याल रखता है। उसके बाद उसे बोलता है नहीं मैं तुम्हारी ही शेडो हूँ। और फिर उसके बाद वो देखता है कि वो तो वही भूत है जो कि शीशे में से निकल आता है और बोलता है अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरा केक और जूस भी खा लिया था। बिल्कुल हाँ मैं वही हूँ। तुम क्यों आए हो मेरे को परेशान करने वापस से भाग जाओ मेरे घर में। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा रुक जाओ तुम मेरे को नहीं मार सकते हा, क्योंकि मैं कोई असली इंसान तो हूँ ही नहीं। उधर डॉक्टर के पास शिंको मिर्ची से पूछती है क्या आप जानती हो कि हिमावरी ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और मैं जब भी आती हूँ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैं आपको बचाना चाहती हूँ एक बहुत बड़े खतरे से ताकि आप लोग उस खतरे से बच पाओ इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। और क्या आप जानती हैं कि हिमावरी ऐसा सच में क्यों कर रही है।